हाजम हाजम हुकामा ने इन्होंने वास जो तिब्बी देसी नुस्खे दसे ने जड़ी बूटिया के बड़े बेहतरीन ने कम दे और उन्होंने कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो जल्दी अमराज के तिब्बी इलाज जिन्हें भी ने वो ज़्यादा बेहतर आ बनस्बत कैमिकली है दवियात के और पहला ये है कि रोजाना नहाने तो बाद ना जिसम के उत्ते नारियल के तेल का मसाज करना चाहिए ये भी जल्द की एलर्जी जी कंट्रोल रही है। दूसरा लीमू का रस जोड़ा वो मुतासरा जिल्द के उत्ते सुबह शाम लाना चाहिए ये भी काफ़ी रिलीफ दिता है। तीसरा मिठा सोडे थोड़ा जहा पानी पा के वह लेप ले बना के ना जिते भी मुतासरा हिस्सा कुछ ज़्यादा वो उत्ते मरम नमा लेप जरा कर देना चाहिए। चौथा है कि रोगन जैतून रोगन बादाम रोगन नारियल का तेल तो सरसों का तेल ये सारे हम वजन लैके सुबह शाम जिसम के उत्ते भी मालिश करनी चाहिए है। पंजवा ग्लिसरीन चार चम्मच लै लो फटकड़ी दो चुटकियाँ और थोड़ा जहा लीमू रस उस मिला के मरम नमा ले जी बना के मुतासरा हिस्से तो लानी चाहिए अगर एड़िया भी अगर फटिया हो एड़िया वास्ते भी ये चीज़ बेहतरीन है। छेवा पुदीना सौंफ अजवैन हम वजन लैके सफूफ बना लो तो सुबह शाम एक चमच सफूफ यदा पानी ना लेंदे रहना चाहिए ये भी काफ़ी रिलीफ मिलता एलर्जी को। तुलसी के पानी के नाल सुबह दोपहर शाम मुतासरा जिल्द को धोना चाहिए। अठवां एक चम्मच सेब का सिरका लैके पांच चम्मच उस पानी मिला के तो मुतासरा जिल्द के उत्ते सुबह दोपहर शाम लाते रहना चाहिए ये भी काफ़ी रिलीफ मिलती है। नवा टी ट्री आयल और रोगन जैतून हम वजन मिला के सुबह दोपहर शाम मुतासरा जिल्द के उत्ते लाना चाहिए। दसवां पुदीने को अच्छी तरह घोट के सुबह दोपहर शाम मुतासरा जिल्द के हिस्से लाना चाहिए ये भी पुदीने नाल भी बड़ा रिलीफ मिलता है। ग्यारहवां सौंफ चार माशे सुबह दोपहर शाम चबा के अच्छी तरह खा के उतो नीम गर्म पानी पी लो ये भी काफ़ी रिलीफ मिलता है इंसान को। बारहवां एक माल्टा लै लो नीमू दो लै लो दो लीमू का रस अदरक एक इंच हल्दी जी निसफ चम्मच शहद अदबा लै लो ये सारी चीज़ों कुट के शहद मिला लो उन्होंने गर्म करके ठंडा करके एयरटाइट कि शीशे दे जार दे अंदर फ्रिज महफूज करके रख लो सुबह शाम एक चम्मच नीम गर्म पानी के नाल लेंदे रहना चाहिए इन्हें भी काफ़ी एलर्जी रिलीफ मिलता है। तेरहवां कश्नीज खुश्क पुदीना खुश्क तनिया अफसंतीन मिसरी ये हम वजन लैके सुबह बना लो सुबह दोपहर शाम एक चम्मच नीम गर्म पानी ना लेंदे रहो ये भी एलर्जी को काफ़ी रिलीफ मिलता है। चौदहवां सना मक्की निम के पत्ते मेहनी के पत्ते ये हम वजन लैके सफूफ बना लो सुबह शाम अद्धा चमचा चाल पानी के नाल लेंदे रहो ये भी काफ़ी एलर्जी को रिलीफ मिलता है। पंद्रह केले या तरबूज के छिलके भी अगर सुबह शाम दोपहर शाम मुतासरा जिल्द आसा आसा रगड़े जान तो उन्हों जिल्द को काफ़ी रिलीफ मिलता है। सोलहवां घी कुआर यानी एलोवेरा जिन्होंने आते हैं उसका रस जोड़ा सुबह शाम मुतासरा जिल्द लाओ तो इंशाल्लाह इसका भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सतारवां देसी अफसंतीन 50 ग्राम लै लो काली मिर्चा 15 ग्राम लै लो इन्हों घोट के छाण के सुबह खाली पेट पिया करो या तो सुबह बना के इस्तेमाल किया जा सकता मेरी मलेरिए के बुखार वास्ते काली अरकान वास्ते बवासीर खूनी वाधी वास्ते भी ये बहुत फायदेमंद है देसी अफसंतीन और काली मिर्च जी है। अठारहवां गेरू 6 ग्राम लै लो गंधक आंवला सार 6 ग्राम काफूर 3 ग्राम काली जीरी 6 ग्राम सारे बरीक पीस के सफू बना लो तो फिर ये पेट्रोलीयम जैली यानी जिन्होंने वैजलीन आते हैं वो 60 ग्राम मिला के यही मरम बना लो सुबह दोपहर शाम मुतासरा जिल्द उत्ते मरम लाते रहो इंशाल्लाह दीगर जिल्दी मर्जा वास्ते बहुत फायदेमंद है। 19वां कौड़ तुंबा हल्दी गुल नीलोफर अनाब गंधक आंवला सार गुलमुंदी गुलमुंडी नीम के पत्ते ते खुश्क पुदीना हम वजन लैके सफूफ बना लो एक चौथाई चाला चम्मच जेड़ा चौथा हिस्सा चाह चम्मच का सफूफ सुबह
शाम पानी के नाल लेंदे रहो ताश पाए इंशाल्लाह इस सिलसिला जारी रखो इतना भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो नारियल का तेल जोड़ा है सुबह दोपहर शाम भी अगर मुतारसा हिस्से से लै जाए यह भी इंसान को काफ़ी फायदा दिता मैं अगे भी दस सटिया तेल फायदेमंद है। जल्दी एलर्जी का रूहानी इलाज